हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। देखिएगा फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ब्यूटीफुल सा डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को आप चेन स्वेटर, जर्सी, किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन में, जैकेट में, स्वेटर में, जर्सी में, सोल में, स्टोल में या कैप में, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं। देखिए, बैक साइड से ऐसा रहेगा और राइट साइड से ऐसा रहेगा। यह डिज़ाइन हमारा 5x5 के मल्टीपल में डलेगा। 5 फंदे 5 फंदे, एक एक फंदा एक्स्ट्रा रखा जाएगा और दोनों साइड में भी एक एक फंदा एक्स्ट्रा रखा जाएगा। देखिएगा, बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। वीडियो देखने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट रो राइट साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद पूरी रो हमें सीधी सीधी बना लेनी है। फर्स्ट रो हम पूरी सीधी सीधी बनाएंगे, सभी फंदों को सीधा सीधा बुन लेंगे। सभी फंदे हमें सीधा सीधा बुन लेने हैं। सेकेंड रो रॉन्ग साइड से, सेकेंड रो को भी हम पूरा उल्टा उल्टा बना लेंगे। सभी फंदे उल्टे उल्टे बनाकर तैयार करेंगे। थर्ड रो राइट साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे। धागे को आगे रखते हुए 5 फंदों को हम ऐसे ही स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे। उसके बाद धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा एक पैटर्न कंप्लीट होता है। धागा आगे लेकर आएंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे, 1 2 3 4 5, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से धागा आगे लाएंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे और लास्ट वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड फोर्थ रो, सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। सभी फंदे हमें उल्टे उल्टे बना लेने हैं। फिफ्थ रो राइट साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जैसे हमने थर्ड रो में किया था वही पैटर्न रिपीट करना है। 5 फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे लाएंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे, पीछे लेकर जाएंगे धागा, एक फंदा सीधा, लास्ट वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। सिक्स रो रॉन्ग साइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेवन्थ रो राइट साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे करेंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागा आगे लाएंगे, 5 फंदे स्लिप करेंगे, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, 5 फंदे स्लिप, धागा पीछे लेकर जाएंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। रॉन्ग साइड एट्थ रो रॉन्ग साइड से पहले फंदे को स्लिप करके पूरी रो को हम उल्टा उल्टा बना लेंगे।
नाइन्थ रो राइट साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद तीन फंदे सीधे बुनेंगे, एक दो तीन। ये जो फंदे हमारे ऐसे हैं धागा, इनके नीचे से सिलाई लेते हुए तीनों के इस वाले फंदे को बुनेंगे और इन तीनों के नीचे से इस तरह लेकर आएंगे, इनको यहाँ पर टच कर लेंगे। उसके बाद पांच फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन चार पांच। पांच फंदे सीधे बनाने के बाद फिर से तीनों के तीन धागों के नीचे से सिलाई को लेकर आएंगे और इसको ऐसे बुनते हुए इस तरह निकाल लेंगे। इस फंदे को छोड़ देंगे, पांच फंदे सीधे बनाएंगे, दो तीन चार पांच। फिर से इन धागों को ऐसे टच करेंगे, बीच से निकालते हुए एक फंदा बनाएंगे, लास्ट वाले फंदों को सीधा बुन लेंगे। रॉन्ग साइड पूरी उल्टी उल्टी बना लेंगे। टेंथ रो पूरी उल्टी बना लेनी है। अलेवेंथ रो राइट साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे और पूरी रो हम सीधी सीधी बना लेंगे, सभी फंदों को सीधा सीधा बना लेंगे। रॉन्ग साइड से पहले फंदे को स्लिप करेंगे, उसके बाद धागा पीछे करेंगे और सभी फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। बैक साइड से सभी फंदे सीधे सीधे बनाने हैं। ये देखिएगा यहाँ से यहाँ तक हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होता है। बहुत आसान सा डिज़ाइन है यह। डिज़ाइन हमारा बनने के बाद ऐसा लगेगा, देखिएगा कितना सुंदर सा डिज़ाइन है। इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, एक बार ट्राई ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो पूरा देखना। थैंक यू, थैंक फॉर वॉचिंग।